इसी पैकेजिंग में एक धर्मगुरु हैं, शायद आपने उनका नाम सुना होगा, बाबा बागेश्वर। वो चमत्कार कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं दावा नहीं करता हूं, वो कहते हैं कि ईश्वर सब ठीक कर देगा, लेकिन उनके दरबारों में भूत भगाए जाते हैं, इलाज बताए जाते हैं, पर्चियां निकाली जाती हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? बात सही गलत की नहीं है, बात लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं इसकी है, लोगों को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हजारों लोग उनके दरबार में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, कोई दुख दर्द बता रहा है। यदि उनकी बातों से, उनकी चीज़ से चमत्कार है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उससे यदि किसी को लाभ हो रहा है तो फिर आपत्ति नहीं होना चाहिए। लोगों को कोई नुकसान तो वो दे नहीं रहे हैं, कोई लोगों के साथ छल तो कर नहीं रहे हैं। अब इस पे जाने से क्या मतलब है? आदमी को तो आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ की जड़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। यदि लोगों को लाभ मिल रहा है तो उसे लाभ देने में कोई हानि नहीं होना चाहिए। पर क्या एक साधु संत, एक ऋषिवर, एक मुनिवर चमत्कार कर सकता है जैसा कि दावा वो करते हैं? और वही नहीं, उनके जैसे कई और भी हैं ऐसे कथावाचक जो ये दावा करते हैं। देखो चमत्कार, तो चमत्कार तो देखो हाथ की सफाई चीज अलग है। यदि उनकी नियत में खोट है किसी की और इस तरह से कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी आएगा। आज भी कई संत हैं तथा कथित जो जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो सत्य है तो सत्य है, सत्य छुप नहीं सकता। और झूठ पे पर्दे कितने डालोगे, एक दिन पर्दा से वो बाहर आएगा जी। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि साधु संतों को लेकर आपने देखा होगा लिंचिंग भी होती है, कई बार सवाल भी उठाए जाते हैं, अभद्र व्यवहार भी होता है। तो इसको लेकर हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार लोगों का ये तर्क भी होता है कि वो गेरुए वस्त्र या अपने धार्मिक लबादे के पीछे वो भी कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए लेकर आलोचना होती है, इसी को लेकर विरोध होता है। आलोचनाएं तो देखो सदियों से होती रही है। एक बात मान के चलो कि हमें हर व्यक्ति पसंद करेगा ये तो हो नहीं सकता है, हर व्यक्ति हमको हम अच्छे लगें ये भी नहीं हो सकता है। महावीर रहे तो उनके भी लोग विरोध में रहे, राम रहे तो उनके भी लोग विरोध में रहे, कृष्ण आते हैं तो कंस साथ में आता है, पारसनाथ आते हैं तो कमट साथ में आता है। ये आलोचक तो हमेशा से सदियों से होते ही रहे हैं, लेकिन आलोचकों से डर के हम सत्य का मार्ग नहीं भूल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि इस नेता भ्रष्ट है तो उसे जनता को सुधारना चाहिए, वो साधु भ्रष्ट हैं तो उन्हें भक्त मिलकर के उन्हें सुधारना चाहिए।